अगेन इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्ट थ्री के बारे में और हम डील कर रहे हैं बॉटनी गेट PYQs को डील कर रहे हैं हम और ये हमने रीसेंट ईयर से लेकर हम प्रीवियस ईयर तक जा रहे हैं ठीक है. सो दिस इज अ पार्ट थ्री. ओके हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है द प्लांट सेल आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट. प्लांट सेल को हम टोटिपोटेंट कंसिडर करते हैं यानी एक ऐसा लाइक पोटेंसी होता है प्लांट सेल के पास कि वो कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है. द फिनोमेना ऑफ अ मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू इज कॉल्ड. तो बोला ये जा रहा है कि कोई भी सेल क्या करता है अपने हाईएस्ट पोटेंसी से लोएस्ट पोटेंसी के लिए मूव करता है. कहने का मीनिंग क्या हो गया कि एक सेल के पास जब सभी चीजें हाईएस्ट बेसिस पे होगी तब वो लोएस्ट बेसिस पे जाता है और लोएस्ट पोटेंसी गेन करने के बाद तब जाकर वो फंक्शन गेन करता है. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक ये जो फिनोमिना है जिसमें कि एक मैच्योर सेल लोएस्ट से वापस से हाईएस्ट पोटेंसी पे चला आता है क्योंकि क्या बोला है कि रिवर्ट कर रहा है मेरिस्टमेटिक स्टेट में यानी ये सीधी सी बात है मेरिस्टमेटिक स्टेट में रिवर्ट हो रहा है मतलब कि डिवाइडिंग प्रॉपर्टी सीख रहा है या डिवाइडिंग स्टेट में वापस आ गया है एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस. अनडिफरेंशिएटेड कैलस का मतलब क्या हुआ जिसको अभी डिफरेंशिएशन नहीं मिला यानी इसको अभी कोई भी फंक्शन असाइन नहीं किया गया है. नो फंक्शन असाइंड ठीक है और कैलस फॉर्म कर रहा है तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे. तो देखिए जैसे कि सीधी सी बात है जब हाईएस्ट पोटेंसी से जब पोटेंसी लो हो जाती है उस टाइम पर एक सेल अपना फंक्शन गेन कर लेता है यानी अपनी फंक्शनैलिटी ले लेता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. तो सीधी सी बात है अगर यही काम उल्टा हो रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि पूरा उल्टा चल रहा है यानी फंक्शनैलिटी जो थी वो वापस से रिवर्ट बैक होकर वापस से वो डिवाइडिंग फेज ले रहा है और अनडिफरेंशिएटेड कैलस में बदल जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे डी डिफरेंशिएशन. आपने जैसे एक्टिवेशन के उल्टा में सुना होगा डी एक्टिवेशन ठीक है ऐसे ही डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है अपोजिट होता है डी डिफरेंशिएशन. तो अगर वापस से एक प्लांट सेल अपने अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में चला आता है जहां पे वो अपनी मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी भी शो करता है यानी डिवाइडिंग एक्टिविटी भी शो करता है तो इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन का नाम देंगे. आंसर विल बी सेकंड. ना ही ये री डिफरेंशिएशन है ना ही ऑर्गेनोजेनेसिस है ना ही री कैल्सिट्रेंसी है. री डिफरेंशिएशन तब होता है जब डी डिफरेंशिएट होकर वापस से सेल अपनी फंक्शनैलिटी गेन करेगा तब हम उसे री डिफरेंशिएशन कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स अपॉन एप्लीकेशन टू द लीव्स इट इज ट्रांसलोकेटेड टू द मेरिस्टमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम बाई. तो ग्लाइफोसेट क्या है एक टाइप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स है. जब हम इसे लीफ में अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांसलोकेट हो जाता है मेरिस्टमेटिक एरिया में एज वेल एज अंडरग्राउंड राइजोम्स एरिया में. बोला जा रहा है किसके थ्रू ये ट्रांसलोकेट होता है. ऑप्शंस आर फ्लोएम जाइलम ब्रॉडर पीट एंड ट्रैकिट्स. तो इसका आंसर क्या होगा फ्लोएम. ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है मतलब कि कुछ समझाने जैसा नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ अ हर्बिसाइड जो अप्लाई करते हैं तो फ्लोएम की मदद लेकर ये मूव ऑन करता है. आंसर विल बी ए. नेक्स्ट सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन द ग्रुप वन विद द फंक्शन इन द ग्रुप टू. तो ग्रुप वन में कुछ चीजें यहाँ पे दे के रखी हैं मॉलिक्यूल्स दे के रखे हैं उसके बारे में उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में मेंशन करके रखा है ग्रुप टू में. आपको इसे करेक्ट मैच देना है. सबसे पहले यूबिक्यूटिन्स की बात करें हम पहले नाम पढ़ लेते हैं फिर मैच करने में आसानी होगी. पहला है यूबिक्यूटिन्स नेक्स्ट इज फाइटोट्रोपिन नेक्स्ट एक्सटेंसिन एंड लास्ट इज डेला प्रोटीन. ओके सेकेंड कॉलम में दे के रखा है सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम रिप्रेसर इन जिब्रलिन सिग्नलिंग मीडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फैमिलियर है हमारे लिए वो है जिब्रलिन का सिग्नलिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट बोल के रखा है और प्रोटीन डिग्रेडेशन मीडिएटर जिसके बारे में बोला गया है. तो अगर यूबिक्यूटिन्स की बात करें तो यूबिक्यूटिन्स जब किसी और प्रोटीन के ऊपर चले जाते हैं तो वो उस पर टैग लगा देते हैं.
टैग लगाने का मतलब होता है कि यूबिक्विटिन के प्रेजेंस की वजह से उस प्रोटीन, उस टारगेट प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा. तो यस वी कैन से दैट इट इज मैचिंग विथ थर्ड. नेक्स्ट देखिए, तो ये डिग्रेडेशन का हमने थर्ड ले लिया. रिप्रेसर इन द जिब्रेलिन सिग्नलिंग, रिप्रेसर जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग का कौन सा होता है, मतलब जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग को कौन रोकने का काम करता है, दैट इज डेला प्रोटीन. तो एस का हो गया टू. तो अगर पी का हम टी देखते हैं और एस टू है, तो पी का थ्री और एस का टू सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मतलब हमने सिर्फ दो ऑप्शन पिक किया है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा वेल नोन था हमारे लिए, और बाकी ऑप्शन ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हमारे लिए सेलेक्ट हो जाएंगे. जैसे कि फाइटोट्रॉपिन की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज व्हाट, फाइटोट्रॉपिन इज अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. जो पोलर ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन का, दैट इज शूट से रूट की तरफ ट्रैवल करना, उसमें ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, ये हो जाएगा फोर्थ. एंड एक्सटेंशन क्या करते हैं, ये सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम की तरह रिगार्ड किए जाते हैं, दिस विल बी फर्स्ट. तो हमारा आंसर हो गया ए. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा भी कुछ नहीं है. ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी देखा था. इसमें डिजीज दे के रखा है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एज वेल एज क्रॉप्स दे के रखा है. तो यहाँ पे पाउडरी मेल्ड्यू है, व्हाइट रस्ट है, डाउनी मेल्ड्यू एंड लेट ब्लाइट. तो अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी. आप इसे मैच कर सकते हो, आप इसे लिस्ट आउट कर सकते हो और उसके बाद इसको देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है. इसको हमें समहाउ मेमोरी बेसिस पे जो है याद रखना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम देखते हैं पी, तो पी जो है दैट इज पाउडरी मेल्डू के लिए हम यहाँ पर थर्ड को सेलेक्ट करेंगे एंड इट विल बी मैचिंग विद द सेकेंड, दैट इज टोमेटो प्लांट में देखा जाता है. सिमिलरली आप बाकी सारे ऑप्शन को भी एज इट इज मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, वो आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. जो समझाने वाले क्वेश्चन है हम उसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है, मैच द ऑप्शन ग्रुप वन विद द ग्रुप टू विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन द प्लांट. तो आपको यहाँ पर ग्रुप वन को ग्रुप टू से मैच करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल ट्रांसडक्शन जो कि प्लांट में देखे जा रहे हैं. पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. पहला है फॉस्फोलाइपेज सी, सेकेंड इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, थर्ड इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, फोर्थ इज फॉस्फोटिडिक एसिड. सेकेंड ग्रुप में मेंशन है स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रा सेलुलर स्टोक्स. तो क्या ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन हमने पढ़ा है? बिल्कुल, IP3 दैट इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है ये कैल्शियम के रिलीज को स्टिमुलेट करता है इंट्रा सेलुलर स्टोरेज, यानी लगभग अगर हम कंसिडर करना चाहें तो ER से. ठीक है, तो क्यों का हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए, रेगुलेट आयन चैनल और एक्टिवेट वेरियस एंजाइम. ओके, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. थर्ड देखते हैं, हाइड्रोलाइज फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल बिस फॉस्फेट दैट इज PIP2. तो फॉस्फोलाइपेज सी का काम होता है PIP2 को क्लीव करना. ये हमने, अगर आपने IP3 डार्क पाथवे पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी. तो पी का देखिए थ्री है एंड क्यू का वन है. पी का थ्री हमें दो ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन क्यू का वन हमें सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है. तो देखिए, जो सबसे ज्यादा वेल नोन वाला पोर्शन था उससे ही हमने जो है करेक्ट आंसर निकाल लिया. नेक्स्ट देख लेते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल. डाइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर हम बात करते हैं तो इट विल फॉस्फोराइलेटेड टू द फॉस्फोटिडिक एसिड. जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो दैट विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू द फॉस्फोटिडिक एसिड. तो हम इसे फोर्थ के साथ कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट है फॉस्फोटिडिक एसिड. ये वेरी ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन गो एंड इट यूज टू रेगुलेट द आयन चैनल. इट विल बी एक्टिवेटिंग द वेरियस एंजाइम्स टू. तो यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन. इस हिसाब से देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इकोटोन. कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट इकोटोन के लिए एकदम सही स्टेटमेंट है? तो सिमिलर, अगर हम मतलब कि इन जनरल देखें तो हमें पता होना चाहिए इकोटोन क्या होता है. तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ. मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है, दैट इज डेसीडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ये फॉरेस्ट कैसे चलता है? ये फॉरेस्ट का कवरेज एरिया पूरा इस तरीके से है, और जैसे ही ये इस एरिया में एंटर कर रहा है, देखिए इसका कवरेज एरिया कम हो रहा है. मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेसीडुअस फॉरेस्ट खत्म हो जा रहे हैं. जैसे कि अगर हम और एग्जांपल लें, मान लीजिए एक ये एरिया है, यहाँ पे पहाड़ है. अब पहाड़ सारे एरिया में नहीं है, पहाड़ मतलब बहुत अलग अलग एरिया से देखे जा रहे हैं, और पहाड़ जो है इस एरिया में आकर खत्म हो जा रहे हैं. मतलब माउंटेन का रेंज सिर्फ यहीं तक है. इसके बाद देखने को मिल रहा है कि इस एरिया से रिवर शुरू हो जा रहा है.
तो आप हमेशा ध्यान देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहाड़ या फिर माउंटेन जहां पे खत्म होगा रिवर वहीं से शुरू होगा। आप देखोगे कि अगर मान लीजिए रिवर शुरू हो रहा है तो रिवर शायद ऐसे शुरू हो रहा है, यानी उनके बीच में हम ये कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माइट बी ये जो जोन है दोनों के बीच में वो ओवरलैप कर रहा है, और यही जो जोन होता है इसे ही हम इको टोन कहते हैं। इको टोन ऑफ वॉट? इको टोन ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम। तो ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया, ये सिर्फ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इकोसिस्टम फॉर माउंटेन एरिया, ये वाला रिवर कहलाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये इनके बीच का एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हमें मिक्सचर मिलेगा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट मिलेंगे जो कि माउंटेन एरिया के में भी देखे जाएंगे, साथ ही साथ रिवर एरिया में भी देखे जाएंगे। वैसा ही कुछ यहाँ भी देख लीजिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा डेसीडुअस फॉरेस्ट है, मतलब कि एक अच्छा खासा घना जंगल, और इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे ग्रासलैंड शुरू हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जहां पे ये डेसीडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो रहा है वहीं से ग्रासलैंड शुरू हो रहा है। आप देखिए जब डेसीडुअस फॉरेस्ट ऑब्वियसली नॉर्मली है, तभी से ही देखिए इसी पॉइंट से ग्रासलैंड शुरू हो गया, मतलब इस पॉइंट से जो है लगभग ग्रासलैंड शुरू हो चुका है। और जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट है, यानी डेसीडुअस फॉरेस्ट है, इसका जोन कहाँ खत्म हो रहा है, तो इसका जोन यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी ये वाला जो पूरा जोन है ये इनके बीच में एक ऐसा जोन है जहाँ पे हमें डेसीडुअस फॉरेस्ट से रिलेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी देखे जाएंगे, और ग्रास लैंड से रिलेटेड भी प्लांट्स या फिर ग्रासेस एज वेल एज एनिमल्स देखे जाएंगे। तो ये जो इतना पोर्शन है जिसको कि मैं डॉटेड बेसिस पे शो कर रही हूँ, ये कहलाएगा ग्रास लैंड फॉरेस्ट इको सिस्टम, जिसमें फॉरेस्ट भी इंक्लूड हो गया एंड ग्रास लैंड भी इंक्लूड हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक तरीके से एक ट्रांजिशन जोन की तरह भी नाम देते हैं, हम इसे एक इंटरफेस भी कहते हैं जो कि दो इकोसिस्टम के बीच में सिचुएटेड होता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द इकोटोन। पहला है, एन इकोटोन इज अ सिनोनिम ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए ही हम इकोटोन का इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज फॉल्स। आपने देखा इकोसिस्टम, हम इसको एक अलग इकोसिस्टम मान रहे हैं, इसको एक अलग इकोसिस्टम मान रहे हैं, लेकिन हम इकोटोन को इकोसिस्टम नहीं कह रहे हैं, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है, इकोटोन इज एन इंटरफेस जोन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम। एग्जैक्टली, ये एक इंटरफेस होता है, बीच में जो है एक आप कह सकते हो कॉमन पॉइंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट, एन इकोटोन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ लैंड बायोमास। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हमेशा लैंड बायोमास का ही एक एरिया बने, मैंने आपको रिवर का भी एग्जांपल देकर बताया है। नेक्स्ट देखिए, एन इकोटोन इज एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बायोडायवर्सिटी, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, इस एरिया में हमें ऐसे प्लांट एंड एनिमल्स मिलेंगे जो कि डेसीडुअस फॉरेस्ट में भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ ग्रास लैंड एरिया में भी पाए जाएंगे। यानी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोटोन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखी जाएगी एज कम्पेयर टू द इकोसिस्टम वन एंड इकोसिस्टम टू। इन दोनों के कंपेरिजन में इकोटोन में डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और इस फीचर को हम एज इफेक्ट का भी हम नाम देते हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं होगी, इट विल इंक्रीज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। पहला है, द प्यूटेटिव इनफ्लक्स कैरियर ऑक्स वन इज अ साइटोसोलिक प्रोटीन, बट जहां तक हमने पढ़ा है इट इज अ टाइप ऑफ अ सिम्पोर्टर, राइट? सिम्पोर्टर की तरह काम करता है ये, IAA माइनस को भी लाइक सेल के अंदर लेकर जाता है, साथ ही साथ H प्लस को भी लेकर जाता है। तो ये साइटोसोलिक प्रोटीन तो हमने नहीं देखा था, इट वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट था, तो हम कह सकते हैं ये गलत दे के रखा है। नेक्स्ट है, पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन रूट टेंड टू बी बोथ एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल इन डायरेक्शन। तो जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है रूट एरिया में, यानी एक डायरेक्शन में जो होता है, वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, वो एक्रोपिटल हो सकता है यानी टूवर्ड द एपेक्स हो सकता है, या बेसिपिटल हो सकता है यानी टूवर्ड द बेस हो सकता है। यस, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल दोनों पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट है, एनपीए इज एन इनहिबिटर ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यस ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो ट्रू, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। ऑक्स वन एंड पिन वन प्रोटीन आर लोकेटेड इन अपोजिट एंड ऑफ द सेल फॉर द पोलर ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही, ये जो है ये वाला जो प्रोटीन होता है ये एपेक्स पे रहता है, यानी अगर मैं ये सेल बनाती हूँ
तो यहाँ पे हमें मिलेगा कौन, ऑक्स वन, और जो बेस एरिया होता है सेल का वहां पे हमें मिलेगा पिन वन। तो बेस एरिया में पिन वन रहता है और ये दोनों ही अपोजिट, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑक्स है तो यहाँ पर पिन है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट है एंड ऑफ कोर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वन, वन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन लेके रखा है, आई मीन टू से जो हमारा क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज अफेक्टेड प्लांट एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी कुछ समझाने जैसा नहीं है, ब्लैक रॉड दे के रखा है, लूज मट एंड पनामा विल्ट, बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच, तो इन सब के लिए आप देख सकते हैं अफेक्टेड प्लांट कौन से होंगे एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे। इसका ऑप्शन जो है सी दे के रखा है, आप मैच कर सकते हैं और इसको लिस्ट आउट करके रख सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप नया याद नहीं करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसी को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि गेट में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कुछ एक आध एरिया है जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली ये डिजीज वाला पोर्शन तो रिपीट होता ही रहता है, ऐसा होगा ही कि मान लीजिए आपको इस बार जो डिजीज मिली नेक्स्ट टाइम थोड़े से ऑप्शन चेंज किए जाएंगे लेकिन वो डिजीज फिर से कॉमन बेसिस पे मिल सकती है। ओके एक और क्वेश्चन आता है, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, बट ऑफकोर्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल डिफेंस इन प्लांट। प्लांट में जो केमिकल को प्रोड्यूस करने के बाद जो डिफेंस रिस्पॉन्स होता है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करना है। अब जब भी ऐसे नए क्वेश्चन आए, जब आपको लगे कि आपको सिर्फ एक दो स्टेटमेंट पता है बाकी नहीं पता है, तो कोशिश कीजिए कि जितना स्टेटमेंट पता है उसी से ही आप सही आंसर पे पहुंच जाइए। फिर भी यहाँ पे कुछ काफी ऐसे स्टेटमेंट है जो हमें नोन नहीं है, बट वी आर ट्राइंग, हम इसी बहाने ही सही नॉलेज ले लेते हैं। बोला है पिसाटिन विच इज अ फाइटो एलेक्सिन प्रोड्यूस बाय द रिसिनस कम्युनिस इज अ कंस्टिट्यूटिव डिफेंस कंपाउंड। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, अगर हम पिसाटिन की बात करें तो ऑफकोर्स इट इज अ फाइटो एलेक्सिन, और अभी अभी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि फाइटो एलेक्सिन कभी भी कंस्टिट्यूटिव बेसिस पे नहीं प्रोड्यूस होता है, आई मीन टू से जब इन्फेक्शन होगा तभी ये प्रोड्यूस होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि ये इस प्लांट स्पीसीज से प्रोड्यूस नहीं होता है, यू कैन सी हियर पिसाटिन विच इज अ मेजर फाइटोएलेक्सिन एंड इट इज मेड बाय द पी प्लांट दैट इज पाइजम सेटिवम। ठीक है, इस प्लांट के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है ना कि इसके थ्रू, तो ये क्या हो गया, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, आपसे करेक्ट पिक करने को कहा था। अब देखिए पी गलत हो गया तो ये ए ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पी है, और डी ऑप्शन भी कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी पी है। एक और चीज बहुत अच्छी हुई है कि जो हमारे पास बी एंड सी ऑप्शन है इसमें दोनों में ही एस है, यानी हम इस चीज के लिए कंफर्म है कि एस हर हाल में ट्रू होगा, नो डाउट, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें एस है ही। अब हमें क्यू और आर में से एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, और पी को तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया है। क्यू देखिए क्या बोला है, फैजुलस वुलगैरिस प्रोड्यूसेस द फैजुलस एग्लूटिनिन वन विच इज टॉक्सिक टू द काउ पी वी इवल। अब देखिए ये कुछ नया कंसेप्ट है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो कॉमन बीन होता है जिसे हम किडनी बीन का भी नाम देते हैं, इसी को हम फैजुलस वुलगैरिस का नाम देते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का मेजर ग्रेन लेग्यूम क्रॉप होता है जो प्रेजेंट है आज के टाइम में ओवर द वर्ल्ड, और ये थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेन माना जाता है आफ्टर सोयाबीन एंड पीनट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक फाइटो हेम एग्लूटिनिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो इसी बीन्स प्लांट के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाती है, और इतना ही नहीं ये जो प्रोड्यूस की जाती है ए ग्लूटिनिन वो टॉक्सिक होती है किसके लिए, काउ पी वी ईविल के लिए। अगर आपने देखा नहीं है तो दिस इज अ काउ पी वी ईविल, यानी इस बग का नाम है ये। तो जब ये बग्स इस पर्टिकुलर प्लांट पे फीड करने के लिए आते हैं तो ये जो एग्लूटिनिन वन का प्रोडक्शन होता है वो इनके लिए टॉक्सिसिटी का काम करता है। सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर द फैजुलस वुलगैरिस इज टॉक्सिक व्हेन फेड टू द काउपी वी ईविल, यानी अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो ऑफकोर्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और जैसे ही हम क्यू स्टेटमेंट के साथ एग्री होते हैं हमारे पास ऑप्शन चला आता है बी का,
क्योंकि क्यू और एस यहाँ यहीं पे प्रेजेंट है। आर देख लेते हैं, आर क्यों रिजेक्ट हुआ है। आर में बोला है अ सिंगल स्टेप नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज द टॉक्सिक हाइड्रोसाइनिन एसिड दैट इज द HCN टू प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट द हर्बीवोर्स एंड पैथोजन। तो लेट मी टेल यू, सारी बातें इन्होंने सही बोली है, लेकिन ये नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये एंजाइमेटिक होता है। लेट मी टेल यू अबाउट द रिएक्शन, लुक एट दिस, दिस इज अ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। ये होता क्या है, ये प्लांट में स्टोर रहते हैं, लेकिन ये ऐसे टॉक्सिक नहीं होते जब तक इनको कोई डैमेज ना करे, जब तक इनको कोई च्यू ना करे। ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है और ना ही ये HCN का रिलीज होता है। ये HCN जो प्रोड्यूस होता है यही टॉक्सिसिटी का काम करता है पैथोजन के लिए। तो जब कोई हर्बीवोर आकर इस टाइप के प्लांट को च्यू करते हैं जिनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, उस टाइम पे हाइड्रोजन साइनाइड का रिलीज होता है एंड फाइनली दैट विल मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट और हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द पैथोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेज नाम का एंजाइम काम कर रहा है। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ना कि नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कि यहाँ पे बोला गया है। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑटोमेटिकली वी आर अप टू द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा है अ टिपिकल फ्लोरल मेरिस्टेम डिफर फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ। जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से किस बेसिस पे डिफर करता है, किस बेसिस पे डिफरेंस रखता है। ऑप्शंस आर डिटरमिनेट ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ए। जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है उसके बेसिस पे जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम से डिफर करता है। तो आप कह सकते हो कि एक टिपिकल बेसिस पे जो फ्लावर मेरिस्टेम डिफर करता है, यानी डिफरेंस रखता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से इन रिगार्ड ऑफ द डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, डिटर्मिनेट ग्रोथ देखे जाते हैं और इसी बेसिस पे ये दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कैरोटिनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट। कौन सा यहाँ पे ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि कैरोटिनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट होता है। तो मैंने आपको जितने भी मेजर फाइटो हॉर्मोन्स थे उन सभी के बारे में आपको पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आप आंसर दे पाएंगे। पहला है फाइटो सल्फोकाइंस, नेक्स्ट इज ब्रासिनोस्टीरॉइड, थर्ड इज मिथाइल जासमोनेट एंड द फोर्थ इज ट्रिगोलेक्टॉन। ऑफकोर्स द करेक्ट आंसर इज ट्रिगोलेक्टॉन। आप इसका बायोसिंथेसिस पाथवे देखिएगा जो कि कैरोटिनॉइड क्लीवेज प्रोडक्ट के बेसिस पे ही चलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन। अगेन मैंने आपको बहुत से लिस्ट दिए हैं बायोट्रॉपिक का, नेक्रोट्रॉपिक का, इन सब के मैंने आपको हेमी बायोट्रॉपिक सबके मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं और आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड करके रखी है, तो उसी के बेसिस पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे के रखा है दैट इज सी। तो ये एक फंजाई है जो कि बायोट्रॉपिक प्लांट पैथोजन कैटेगरी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, The phenomenon where an organism live at the expense of another organism by harming it but not killing is called. अब आप ध्यान देंगे तो ये question again पूछा गया था, I think it was in 2019 or 2020, ये question same to same आया है, बस देखिए options को change कर दिया गया है, बाकी पूरा का पूरा question same है। यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि गेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूरा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन रिपीट जरूर हुआ है एज इट इज, ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है। तो बोला एक ऑर्गेनिज्म जब किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहता है, मतलब उसके लाइफ के एक्सपेंसेस पे रहता है, उसके लाइफ को दाव पे लगा के रहता है, ठीक है, और उसको हार्म भी करता रहता है लेकिन उसको कभी भी किल नहीं करता है, तो ऐसे रिलेशन को या ऐसे इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में एक के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। प्रिडेशन में एक के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक के ऊपर नेगेटिव होता है, और ऑब्वियसली जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसकी डेथ हो जाती है। सिम्बायसिस तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिलेशन हो जाता है। पैरासिटिज्म ऐसा होता है जिसमें कि ऑब्वियसली अपने होस्ट को हार्म तो किया जाता है लेकिन किल नहीं किया जाता, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन। हमारा आंसर हो गया डी, दैट इज पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर के स्ट्रैटेजिस्ट स्पीसीज। यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि स्ट्रैटेजिस्ट स्पीसीज के लिए सही है। ऑप्शंस आर दे प्रोड्यूस रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग, के सेलेक्टेड स्पीसीज लार्ज नंबर में ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, नंबर बहुत कम होता है उनके प्रोडक्ट मतलब ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, सो दिस इज रॉन्ग।
आपसे ट्रू पूछा गया है. नेक्स्ट है, पॉपुलेशन ऑफन ग्रो एक्सपोनेंशियली बट दिस इज रॉन्ग, इट ग्रो लॉजिस्टिकली. ओके, अगेन दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, दे प्रोवाइड रिलेटिवली लिटिल और नो पैरेंटल केयर टू द ऑफस्प्रिंग, कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज दे प्रोवाइड पैरेंटल केयर. ओके, तो पैरेंटल केयर देते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग की देखभाल करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डी में बोला इट अकर इन स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल हैबिटेट. एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू. जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो एक प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हैबिटेट में देखने को मिलते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है विद रिलेशन टू द प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इन्हें आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट को पिक करना है. पहला है, एट्रोपिन इज अ मेंबर ऑफ इंडोल एल्कोलॉइड. एट्रोपिन जो है इंडोल एल्कोलॉइड माना जाता है, बट एट्रोपिन किसी भी तरीके से एक इंडोल एल्कोलॉइड कंसिडर नहीं किया जाता है. ठीक है, ऑफकोर्स इट इज अ नॉर्मल एल्कलॉइड. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एल्कलॉइड का पूरा लिस्ट दे के रखा है आपके सामने. नेक्स्ट है, लिमोनिन इज अ साइक्लिक टारपिन फाउंड इन द सिट्रस प्लांट. बिल्कुल सही. ग्रीन टी इज रिच इन पॉलीफिनॉल्स. ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड साइनिडिन कंट्रीब्यूट टू द रेड कलर ऑफ द रोज पेटल्स. अगेन इट इज ऑल्सो ट्रू. राइट, तो हमारा आंसर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया कौन सा, डी. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. अगेन हम बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान. हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान. वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन. मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ. वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना. एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट. WEDME, एजुकेटिंग WEDME, एजुकेटिंग इंडिया.